नमस्कार, परफेक्ट ग्रैनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आम का अचार बनाने की विधि बता रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये 1.5 किलो आम लिए हैं। अब हम इन कच्चे आमों को काटकर मनचाहे आकार में हम काट लेंगे इनको। जैसे मैं आपको मैंने बाकी काट रखे हैं, ये मैं आपको काट रहा था। इसकी हमें अंदर से गुठली निकाल देनी है। इनको धोकर पानी में डुबो कर रखा पहले, फिर धोकर हम सुखा कर इनको उसके बाद ही काटेंगे। अब आप इनको बड़ा रखना चाहें तो इस आकार में भी रख सकते हैं, वरना हम इनको छोटे आकार में भी काट सकते हैं। ये हम पीसेस कर लिए हैं मैंने। अब हमारी आंबियाँ ये कट चुकी हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच हल्दी मिलाएंगे। तो 2 चम्मच हल्दी डालकर हम इसको अच्छी तरह हाथों से इसको मिलाएंगे, इसको जिससे हमारी हल्दी ये सारी आमियों में लग जाए। मैं ये आपको सबसे आसान तरीका बता रही हूँ आम के अचार का। हमें इसको धूप में नहीं निकली तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको पंखे में ही सुखा देंगे 2 से 4 घंटे हम इसको। ये देखिए मैंने आम भी इसमें लगा दिए। अब हम इन फाकों को सबको एक एक कर कर इसमें सुखा देंगे। हम इस पंखा चला कर रखेंगे इसमें, जिससे ये आम भी सूख जाएंगे। फिर हम इसमें नमक मिर्च जो भी मसाले हैं इसके वो मिलाएंगे। अब हमने इन आमियों को हल्दी लगाकर ऐसे सुखा लिया है और अब इनको हम पंखे के नीचे 2 से 3 घंटे सुखाएंगे, जिससे कि इनका जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा इसमें वो सूख जाएगा और हल्दी लगाने से हमारी अचार जो है वो ख़राब नहीं होगा। अब आप देखिए आपको ये अचार भी कितना अच्छा लगा, क्योंकि ताज़े रहता हम ये इस तरह मैं आम भी जो बनाती हूँ आम का अचार, तो ये आप मुश्किल से 1 हफ्ते में ही हमारा अचार तैयार हो जाता है खाने लायक। और अगर हम इसे नमक मिलाकर सुखाकर बनाते हैं तो वो हमें ज़्यादा उसमें दिक्कत होती है। आइए अब हमको आपको बताते हैं ये इसमें हम किस किन मसालों का उपयोग करेंगे। उसके लिए मैंने 2 चम्मच ली है मेथी, ये दाने मेथी के 2 चम्मच लिए हैं। और मैंने 1.5 चम्मच ली है ये कलौंजी, 2 चम्मच ही मैंने ये लिए हैं सरसों के दाने। और मैंने 4 चम्मच लिया है कुटा धनिया। और मैंने ये 4 चम्मच ही ली है सौंफ मोटी, 2 चम्मच मैंने ली है लाल मिर्च। और ये लिए है मैंने 1/2 से 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच हींग ली है। और इसमें मैंने लिया है ये 3 चम्मच नमक। और ये मैंने लिया है 250 ग्राम तेल, बॉयल करके इसको ठंडा किया हुआ है। इन सब मसालों को मैं इसमें मिक्स करूंगी, लेकिन मिलाने से पहले मैं इन सब मसालों को एक बार ग्राइंडर में चलाकर दरदरा करेंगे। अब देखिए हमारी ये आंबियाँ सब सूख गई हैं। अब हम इन्हें इसमें हम मसाला मिलाते हैं। ये मैंने सारा कल जो मसाले थे सब मिक्सी में थोड़े दरदरे पीस लिए हैं, मैं इनको डालूंगी इसमें। और ये मैंने तेल उबाल कर ठंडा कर लिया था, इसको डालेंगे। इसी का ये फ़ायदा होता है कि हम अचार जब खाएंगे तो हमें कच्चे तेल की स्मेल नहीं आएगी। और ये हमने नमक, सब इन मसालों को हम ऐसे मिक्स करेंगे। ये हम खाने के लिए डालना चाह रही है, आप इसे रख भी सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं साल भर तक तो भी ख़राब नहीं होगा। और ये वैसे ही हमारा ताजे भी अभी ये 4 से 6 दिन में तैयार हो जाएगा अचार। अब ऐसे हम अचार में ही सारे मसालों को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। ऐसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम इसमें अभी आपको ये सूखा लग रहा होगा, लेकिन ये आप इसको भर के धूप में रख देंगे तो ये आप अब इसमें से आंबे में से पानी भी छूट जाएगा और तेल भी, फिर आपका ये अचार जो है सूखा नहीं रहेगा।
देखिए ये हमारा मसाला इसमें मिक्स हो गया, आप देख सकते हैं हमारा आम का अचार ये कितना देखने से ही टेस्टी लग रहा है। अब हम इसको एक साफ, ये मैंने जार साफ करा हुआ है, इसमें ऐसे भर देंगे। अभी अचार हमने इसमें भर दिया और इसको हमें कस के दबाना है जिससे कि इसमें अंदर हवा ना रहे, इससे आपका अचार बहुत अच्छा बनेगा। हमेशा अचार को ऐसे कस के दबा देते हैं इसमें। अब हम देखिए हमने डिब्बे में ऐसे भर के रख दिया, इसका हम थोड़ा सा ढीला ढक्कन करके धूप में रखेंगे, 3 से 4 दिन रखने से ही अचार है। ये देखिए ये मैंने पिछले हफ्ते अचार डाला था आम का, आप देख सकते हैं मेरा अचार, ये बच्चों ने खा के भी आधा कर दिया और आप देखिए ये अचार मेरा, आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी अचार तैयार हुआ है, आपका एक हफ्ते में ही खाने लायक हो जाएगा। अब अचार आप खाइए और खिलाइए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।